गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर क्या होता है, इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे लेक्चर्स के अगर पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो उसका लिंक बेसिकली मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो जिसको भी उसको डाउनलोड करना हो वो इजिली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसे डाउनलोड कर सकता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर क्या होता है। फ्रेंड्स, फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर जो होता है ये एक एफिशियंट वन वे सर्कुलेटिंग मेम्ब्रेन इवेपोरेटर है। फ्रेंड्स, इसमें जो फ्लो होता है आपका मटेरियल का वो ओनली वन वे होता है। लाइक इस डायग्राम को आप गौर से देखिए तो यहां से ये आपका पूरी की पूरी जैकेट है, जैकेट के अंदर आपके एक्सचेंजर की ट्यूब्स हैं, टॉप से आप फीड इनलेट कर रहे हैं और इस पॉइंट से बेसिकली आप वैक्यूम अप्लाई करके रखते हैं। सो फ्रेंड्स, होता क्या है, जैसे ही फीड आपका इसके अंदर गिरा, जैसे वो स्टीम आपके जैकेट में स्टीम अप्लाई जो उसकी एनर्जी के कॉन्टेक्ट में आया और वो आपका उसमें जो भी लो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो आपका वेपराइज हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपका इसमें बेसिकली एक मिक्सचर रहता है, एक आपका जो आपके बल्क मटेरियल्स हैं और जो आपके लो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं दोनों का मिक्सचर रहता है, मींस आपका लिक्विड एंड वेपर फेज। सो फ्रेंड्स, जैसे ये नीचे की तरफ आपका मूव करता हुआ आता है, इसका इन ट्यूब्स के ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। सो फ्रेंड्स, यहां से बेसिकली प्रोटेक्ट आप आउट कर लेते हैं और यहां से आपको लो वोलेटाइल कंपोनेंट बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, उसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं, लाइक हाई हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, लो टेम्परेचर डिफरेंस लॉस, शॉर्ट हीटिंग टाइम एंड नॉन डिटोरिएशन ऑफ द मटेरियल, इजी मल्टी इफेक्ट ऑपरेशंस, लो एनर्जी कंजम्पशन, ये सारे के सारे फीचर्स इसको काफी यूजफुल बनाते हैं फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ फ्रेंड्स, बेसिकली हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर का। सो फ्रेंड्स, फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करेंगे तो द लिक्विड इज एडेड टू द अपर ट्यूब ऑफ द हीटिंग चैम्बर ऑफ द फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां से देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, मेरे पॉइंटर को देखिएगा, यहां से हम प्रोडक्ट को इनलेट करते हैं। थ्रू द लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिल्म फॉर्मिंग डिवाइस, इट इज इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू द हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स। इसका हीट एक्सचेंजर की ट्यूब्स में बिल्कुल बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, एक आपके ग्रेविटी के एक्शन की वजह से एंड वैक्यूम इंडक्शन एंड एयर फ्लो, और वैक्यूम की वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन काफी यूनिफॉर्म तरीके से होता है। इट फॉर्म्स अ यूनिफॉर्म फिल्म फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ड्यूरिंग द फ्लो, इट इज हीटेड एंड वेपराइज्ड बाय द सेल साइड हीटिंग मीडिया। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपका एक्सचेंजर की ट्यूब्स लगी हुई हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पे बेसिकली आपका क्या हो रहा है, ये देखिए, ये जैकेट है, जैकेट से फ्रेंड्स यहां से मेरी स्टीम इन कर रही है, दिस इज स्टीम इनलेट। सो फ्रेंड्स, ऊपर से जो भी प्रोडक्ट मेरा इसमें आ रहा है वो यहां से मैंने स्टीम इनलेट की और यहां से बेसिकली आपका जो भी मटेरियल है वो, ये देखिए फ्रेंड्स, यहां पे से मैंने वैक्यूम अप्लाई किया। सो फ्रेंड्स, होगा क्या कि स्टीम के कांटेक्ट में जैसे ही आपके ये मटेरियल आएगा वो मटेरियल आपका बेसिकली वेपर फेज में कन्वर्ट होगा, जो भी उसमें लो वोलेटाइल मटेरियल है वो ज्यादा से ज्यादा वेपर फेज में कन्वर्ट होगा। और फ्रेंड्स, यहां से मैंने वैक्यूम अप्लाई किया हुआ है, सो उसकी वजह से क्या होगा कि एक तो आपका मटेरियल वाया ग्रेविटी गिर रहा है ऊपर से लेके नीचे की तरफ, और सेकंड आपने वैक्यूम अप्लाई किया है। सो इन दोनों फोर्सेस की वजह से, मींस एक तो ग्रेविटी और दूसरा वैक्यूम, इन दोनों फोर्सेस की वजह से आपका जो भी मटेरियल ऊपर से ड्रॉप हो रहा है वो एक यूनिफॉर्म वे में, जो भी आपका वर्टिकल में एक्सचेंजर अंदर एक्सचेंजर की ट्यूब से उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म वे में वो डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ नीचे की तरफ मूव करेगा। नाउ फ्रेंड्स, होगा क्या कि जैसे ही ये एक्सचेंजर की ट्यूब से बाहर निकलेगा तो इसमें एक आपका हाई कॉन्सेंट्रेटेड फेज होगा और एक आपका वेपर फेज होगा। तो जो हाई कॉन्सेंट्रेटेड फेज होगा वो तो आपका नीचे की तरफ ड्रॉप कर जाएगा, बट जो वेपर फेज होगा, ये जो बाजू में आपका एक वेसल लगा हुआ है, ये इसमें मूव कर जाता है। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, यहां पे क्या होता है कि आपका इसके अंदर जो भी आपका मटेरियल आगे मूव करते करते कंडेंस हुआ कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल, वो यहां से वापस निकल जाएगा और जो आपके लो वोलेटाइल कंपोनेंट्स रहेंगे वो आपके ये वेपर आउटलेट से आपके बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, द जनरेटेड वेपर एंड द लिक्विड फेज एंटर्स द सेपरेशन चैम्बर, इसको फ्रेंड्स हम सेपरेशन चैम्बर बोलते हैं। द वेपर लिक्विड इज सफिशियंटली सेपरेटेड एंड वेपर एंटर्स द
कंडेंसर फॉर कंडेंसेशन। आफ्टर दैट फ्रेंड्स यहां से ये जो वेपर्स आपने आउटलेट में लिए, इस आउटलेट को बेसिकली आपने कंडेंसर से कंडक्ट से कंडेंस कराते हैं ताकि आप उसे दोबारा यूज कर सकें। सो फ्रेंड्स होप आपको बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल फॉलिंग फिल्म वेपरेटर का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं बेसिकली पार्ट्स ऑफ अ फॉलिंग फिल्म वेपोरेटर। सो फ्रेंड्स अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं तो पहला होता है आपका वेपोरेटर मींस द हीट एक्सचेंजर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये जो इस तरीके से लगा हुआ है व्हिच इज यूज्ड टू हीट एंड वेपोरेट द लिक्विड मटेरियल, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। सेपरेटर जैसा कि मैंने आपको लास्ट डायग्राम में दिखाया था बाजू में बना हुआ था, दैट इज यूज टू सेपरेट द कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड एंड सेकेंडरी स्टीम जनरेटेड आफ्टर हीटिंग। थर्ड वन फ्रेंड्स आपका प्री हीटर, दैट इज यूज टू प्री हीट द लिक्विड मटेरियल्स एंटरिंग द स्टीम एंड कूल द सेकेंडरी स्टीम इन ऑर्डर टू रिसाइकल एंड यूज इट। फोर्थ वन इज बेसिकली कंडेंसर हुज फंक्शन इज टू कंडेंस द सेकेंडरी स्टीम सो दैट इट कैन बी रिसाइकल्ड। एंड द फिफ्थ वन इज बेसिकली द कंडेंसेट टैंक दैट इज कनेक्टेड टू द पंप एट द आउटलेट एंड इज कैपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग द कंडेंसेट लिक्विड ऑटोमेटिकली। नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ फॉलिंग फिल्म वेपोरेटर्स की। सो फ्रेंड अगर हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो इनका बेसिकली एप्लीकेशन किया जाता है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इन फूड इंडस्ट्रीज, इन केमिकल इंडस्ट्रीज, इन अदर फील्ड्स फॉर द इवेपोरेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं फॉलिंग फिल्म वेपोरेटर के एडवांटेजेस की। सो फ्रेंड्स इसका पहला एडवांटेज ये रहता है कि पाइप का जो मटेरियल है वो फ्लो करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मींस आपका फीड अलोंग द इनर वॉल्व ऑफ द पाइप बाय इट्स ओन ग्रेविटी इंस्टेड ऑफ पुशिंग विद द प्रेशर डिफरेंस, जिसकी वजह से उसका मूवमेंट काफी इजी रहता है। और सेकेंड साइड से हम वैक्यूम भी अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें मिलता है। सेकेंड वन, रेसिडेंस टाइम ऑफ द रॉ मटेरियल इज वेरी शॉर्ट इन द एक्सचेंजर, इट डजंट अफेक्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज इफ द मटेरियल इज बीइंग हीट सेंसिटिव। फ्रेंड्स रेसिडेंस टाइम काफी कम रहता है जिसकी वजह से हमारा मटेरियल डिकम्पोज होने के चांसेस काफी कम होते हैं। जो भी मटेरियल रहता है मेरा हीट एक्सचेंजर में की ट्यूब्स में इज इन द फिल्म स्टेट एंड द फ्लो वेलोसिटी इज वेरी फास्ट सो दैट हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज वेरी लार्ज। फोर्थ वन इज नो प्रेशर ड्रॉप द पाइप मटेरियल इज इन द एम्बियंट प्रेशर इन्वायरमेंट व्हिच कैन सेव द एनर्जी। नेक्स्ट वन, लो टेम्परेचर डिफरेंस कैन बी चूजन बिकॉज द ट्यूब साइड मटेरियल इज ड्रिवन डाउन बाय द ग्रेविटी ओनली एंड वेरी लिटिल रिटेंशन ऑफ द मटेरियल इन साइड द ट्यूब साइड। सो फ्रेंड्स ये बेसिकली कुछ एडवांटेजेस होते हैं फॉलिंग फिल्म वेपोरेटर्स के जो आप सबको पता होना चाहिए। नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं फॉलिंग फिल्म वेपोरेटर के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स अगर हम पहले डिसएडवांटेज की बात करें तो हमारे लिए ये नेसेसरी होता है कि हम ये एंश्योर करें कि जो इनर वॉल्व रहती है आपकी हीट एक्सचेंजर के ट्यूब्स की वो कंप्लीटली वेट होनी चाहिए आपके मटेरियल के साथ में, और वो जो लेयर है वो लेयर ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आपको जो परफॉर्मेंस मिलना चाहिए फॉलिंग फिल्म वेपोरेटर से वो आपको डिजायर्ड लेवल पे नहीं मिलेगा अगर वो आपकी लेयर थिक हुई और अगर प्रॉपर तरीके से आपका सरफेस वेट नहीं हुआ तो। सो फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग जब भी आपको मीन्स कैलकुलेशंस करनी रहती हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देके सारी चीज़ें करना पड़ेगा। सेकेंड वन फ्रेंड्स, जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट होता है इज वेरी हाई और जो मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है इन केस ऑफ फॉलिंग फिल्म वेपोरेटर्स की। फ्रेंड्स नेक्स्ट वन इज फॉलिंग फिल्म वेपोरेटर्स जो रहते हैं दे आर नॉट एप्लीकेबल टू मटेरियल्स दैट आर प्रोन टू फाउलिंग और कंटेन सॉलिड सस्पेंडेड मैटर। फ्रेंड्स कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें फाउलिंग होने के चांसेस हो पॉसिबल है जो फाउलिंग करवाता हो और अगर उसके अंदर किसी भी तरीके के सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो याद रखिएगा मैं कभी भी फॉलिंग फिल्म वेपोरेटर्स इस केस में रिकमेंड नहीं करूंगा। नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स इट इज नॉट एप्लीकेबल टू मटेरियल्स दैट आर इजली स्केल्ड और कंटेनिंग सॉलिड सस्पेंशन। फ्रेंड्स ये उन मटेरियल्स के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है जिसमें सॉलिड सस्पेंशन प्रेजेंट होते हैं। सो फ्रेंड्स होप आपको डिसएडवांटेजेस फॉलिंग फिल्म वेपोरेटर्स के बिल्कुल कंफर्म हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल के लेक्चर में बेसिकली हम ये बात करेंगे कि कलर कोडिंग क्या होती है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कलर कोडिंग क्यों की जाती है। सो फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।